Assalamu alaikum, I am Saeed Akbar and you are watching Study Page. This is the fourth part of lecture 6th of Web Design and Development course. In this lecture, I am going to show you how to use box model properties of CSS. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या है और उस पर फिर मुख्तलिफ कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंसिडर करें हमने कोई पैराग्राफ लिया है या कोई हेडिंग लिया है H1 H2 या एनी टाइप ऑफ हमने कोई बॉक्स लिया है, ठीक है। बॉक्स मीन्स टेक्स्ट लिया है और आपको पता है कि वो कुछ स्पेस लेते हैं। तो ये जो कॉन्टेंट आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट करते हैं वो टेक्स्ट। कंसिडर करें हमने कोई पैराग्राफ लिया है तो ये कॉन्टेंट मीन्स टेक्स्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। अभी उस पैराग्राफ के इर्द गिर्द अगर मैं बॉर्डर लगा दूँ तो ये बॉर्डर आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पर जो ग्रीन में नज़र आ रहा है, सॉरी येलो में नज़र आ रहा है। दिस विल रिप्रेजेंट द बॉर्डर ऑफ दैट पैराग्राफ। अभी बॉर्डर और उस पैराग्राफ के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होगा, बॉर्डर और उस पैराग्राफ के टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होगा, तो उस स्पेस को हम कहते हैं पैडिंग। इस स्पेस को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द पैडिंग। इनसाइड द बॉर्डर एंड आउटसाइड ऑफ द एक्चुअल टेक्स्ट जो स्पेस होता है दैट इज़ कॉल्ड पैडिंग। फिर बॉर्डर के बाद हमारे पास कुछ स्पेस होता है, खाली स्पेस, और उस स्पेस के बाद और एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। आप इस तरह कंसिडर करें कि एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक और पैराग्राफ है, तो दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक थोड़ा सा स्पेस होता है नॉर्मली, ठीक है। या एक ड्यू एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट आप ले लें तो हर दो एलिमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं, एंड दिस स्पेस इज़ कॉल्ड मार्जिन। तो देखिए ये हमारे पास बॉक्स मॉडल है, कंटेंट होते हैं, कंटेंट के इर्द गिर्द हमारे पास पैडिंग होता है, पैडिंग के इर्द गिर्द अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो फिर बॉर्डर आता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द मार्जिन आता है। यहाँ बॉर्डर के इर्द गिर्द हमारे पास अगर हम एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ले आए तो उसे कहते हैं आउटलाइन। जिस तरह बॉर्डर होता है इस तरह अपने कॉन्टेंट के इर्द गिर्द आप एक बॉर्डर लगाते हैं, इसी तरह हम आउटलाइन भी लगाते हैं। लेकिन फॉर द टाइम ये इन चीज़ों को जस्ट आप समझे कि कंटेंट मींस एक्चुअल कंटेंट। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है, फिर कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होता है दिस इज़ कॉल्ड पैडिंग, और बॉर्डर के आउटसाइड पर और एलिमेंट्स और इस एलिमेंट के दरमियान जो स्पेस होता है इसको कहते हैं मार्जिन। प्रैक्टिकली भी इसको देख लेते हैं। सो यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, HTML फाइल। सो नए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज़ लेक्चर 6.4 एंड दिस इज HTML फाइल, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले एक बेसिक HTML पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करते हैं, डॉक टाइप HTML। नाउ HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, दिस विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड बॉडी, ठीक है। इनसाइड द हेड लेट मी टेक अ टाइटल, एंड टाइटल ऑफ दिस पेज विल बी बॉक्स मॉडल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सेव इट एंड लेट मी टेक अ पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह करते हैं, पैराग्राफ के लिए मुझे रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो एक रैंडम टेक्स्ट एमएस वर्ड में जनरेट करके लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट किस तरह जनरेट करेंगे, इक्वल टू रैंड लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, रैंड एंड आर ए एन डी, सॉरी ओके। तो ये रैंडम टेक्स्ट आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये मेरे पास एक पैराग्राफ बन जाएगा। यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ पी टैग में, नाउ दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। एंड लेट मी टेक एन H1, लेट अस स्टडी बॉक्स मॉडल, ठीक है, ये मेरे पास H1 बन गया। तो दो हमारे पास एलिमेंट्स बन गए। अभी अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए। अभी बॉक्स मॉडल को जिस तरह मैंने यहाँ डिस्कस किया कि एक्चुअल कंटेंट होता है, फिर पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है, फिर आउटलाइन, फिर मार्जिन, तो यहाँ पर हम इसको किस तरह देखेंगे, ये राइट क्लिक कर दें, इंस्पेक्ट,
ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, मींस ये एक बॉक्स एलिमेंट है, ये दूसरा बॉक्स एलिमेंट है। मैं यहाँ माउस ले आता हूँ, तो जो ही माउस में ले आता हूँ, ये जो आपको ब्लू में ऊपर हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड ब्लू में जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द कॉन्टेंट स्पेस। इसमें हमारे पास कॉन्टेंट होता है, ये कॉन्टेंट यहाँ भी ब्लू में, ठीक है। फिर पेडिंग जो है रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्रीन हाईलाइटर, ठीक है। तो देखें हमारे पास फिलहाल इस पर कोई पेडिंग अप्लाई नहीं है, इसलिए हमारे पास वो नहीं आ रहा है, लेकिन मर्ज ना आ रहा है, और बॉर्डर भी हमने नहीं दिया है तो बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ देखें आपको मर्ज नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज हाईलाइट, ठीक है, ऑरेंजली हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द मार्जिन। इसी तरह पैराग्राफ की तरफ अगर मैं आऊँ तो इधर भी इसी तरह होगा, लेकिन कंसिडर करें कि हम इसमें एक बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, या इस तरह करते हैं कि अपनी CSS फाइल में, एंड लेट्स डू एक्सटर्नल CSS। अभी ये पेज जो है इस पर मैं एक्सटर्नल CSS अप्लाई करता हूँ, इंटरनल CSS तो कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, इससे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन एक्सटर्नल CSS हम किस तरह लिखेंगे। एक्सटर्नली एक फाइल पहले क्रिएट कर दें, न्यू, और लेट रीनेम दिस फाइल विद माई स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो ये हमारे पास CSS फाइल बन गया, एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस, इसके अंदर मैं स्टाइल लिखूंगा। स्टाइल किस तरह लिखूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि H1 जो है इस पर मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, सो लेट राइट H1, और इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखते हैं, बॉर्डर इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग बॉर्डर टैग, ठीक है, सॉरी बॉर्डर प्रॉपर्टी। और इसके पॉसिबल वैल्यूज तीन वैल्यूज होते हैं, एक ये कि बॉर्डर का थिकनेस कितना होगा, सो द थिकनेस ऑफ दिस बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल। इसका स्टाइल किस तरह होगा, तो स्टाइल ऑफ दिस बॉर्डर विल बी सॉलिड, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर होते हैं, सॉलिड होते हैं, डैश्ड होते हैं, और इसी तरह डॉटेड बॉर्डर होते हैं, सो लेट दिस बॉर्डर विल बी सॉलिड, एंड कलर ऑफ दिस बॉर्डर इज़ ब्लैक। सेव कर दें, और अभी अब जो कि हमने ये CSS कोड एक एक्सटर्नल फाइल में लिखा है, तो इस फाइल को हमने इस फाइल के साथ मर्ज करना होगा, या यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड करना होगा। सो फॉर इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल CSS फाइल वी विल राइट द टैग लिंक। लिंक टैग इज़ यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS फाइल्स। यहाँ पर इसका एक हमारे पास एट्रीब्यूट होगा सोर्स, जिसमें हम इस फाइल का, अपनी CSS फाइल का URL बताएंगे या पाथ बताएंगे। सो दिस इज़ माई स्टाइल डॉट CSS, दोनों सेम फोल्डर के अंदर है, तो जस्ट हम इसका नाम लिखेंगे। दूसरा कि रिलेशन हम बताएंगे कि मेरी इस HTML फाइल और इस CSS फाइल के दरमियान रिलेशन क्या है। सो दिस CSS फाइल इज एक्चुअली स्टाइल शीट फॉर माई HTML फाइल, सो आई विल राइट हियर स्टाइल शीट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, व्हाट टाइप ऑफ डेटा एग्जिस्ट इन दिस CSS फाइल। सो द टाइप ऑफ डेटा इज ईदर टेक्स्ट और CSS, ठीक। अच्छा, अभी अपने इस पेज को रिफ्रेश कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉर्डर आना चाहिए जो कि नहीं आया, तो देखते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है। ओके, आई थिंक दिस इज href नॉट हाइपर रेफरेंस बिकॉज दिस इज URL नॉट सोर्स। सो इसको रिफ्रेश कर दें, ठीक है। सो ये मैंने गलती से SRC लिखा था, ये href होना चाहिए, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया। अभी अगर इस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा इसका वेट जो है ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नाउ थिक बॉर्डर। लेट मी चेंज दिस टू 5 पिक्सल, ताकि आपको ये बॉक्स मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आए, ठीक है। अभी बॉर्डर के दरमियान और एक्चुअल कंटेंट के दरमियान जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पैडिंग, लेकिन मेरे इस एच के इस एलिमेंट के ऊपर अभी कोई पैडिंग अप्लाई नहीं है, तो मैं पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा पैडिंग, और पैडिंग को मैं पिक्सल में लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स। अभी देखें जो ही 10 पिक्सल मैंने लिख दिया, तो ये जो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट है और बॉर्डर इसके दरमियान टेक्स्ट पिक्सल का 10 पिक्सल का स्पेस आ गया। और अगर मैं माउस यहाँ ले आता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो आपको नज़र आ रहा है कि ग्रीन फॉर्म में पैडिंग हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखता हूँ पैडिंग और 10 पिक्सल, हर साइड से 10 पिक्सल पैडिंग यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह मार्जिन, ठीक है, अगर मैं माउस यहाँ ले आता हूँ, सो दिस इज़ एक्चुअली H1 एलिमेंट, और ये जो येलो ऑरेंज हाईलाइट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली मार्जिन अराउंड दिस एलिमेंट। मैं मार्जिन
फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज़ करना चाहता हूँ चारों तरफ पर, अभी सिर्फ अप एंड डाउन मार्जिन अप्लाई है, राइट लेफ्ट अप्लाई नहीं है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि चारों तरफ पर मार्जिन अप्लाई हो जाए, सो आई विल राइट द मार्जिन प्रॉपर्टी एंड कितना मार्जिन, सो फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल। तो देखिए माउस में लिया तो हर तरफ पर 10 पिक्सल का मार्जिन अभी अप्लाई हो गया, ठीक है। सो लेट मी डाउन राइट डाउन दिस मार्जिन हियर मीन्स 10 पिक्सल, ठीक है। नाउ लेट अस अप्लाई सम मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर ऑन दिस पैराग्राफ, ठीक है। सो पैराग्राफ पर मैं मार्जिन पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इस एक पैराग्राफ पर अप्लाई हो, तो इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू, इसको मैं फॉर एग्जांपल आईडी देता हूँ पैराग्राफ 1, ठीक है। जब पैराग्राफ 1 मैंने इसको आईडी दी, तो जब मैं सीएसएस में इसके लिए स्टाइल लिखूँगा तो इसको मैं रिफ़र करूँगा यूजिंग हैश, हैश आईडी और ब्रेसेस के दरमियान इसका स्टाइल लिखूँगा। सो लेट मी राइट द सेम स्टाइल फॉर दिस पैराग्राफ, ठीक है। सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे, तो देखे यहाँ पर भी वही सारे स्टाइल्स अप्लाई हो गए। जब मैं माउस ले आता हूँ, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा, देखे दिस इज़ द कंटेंट, और यहाँ पर देखे ग्रीन में जो हाईलाइट है, दिस इज़ द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड एक्चुअल कॉन्टेंट एंड इज कॉल्ड पैडिंग। द नेक्स्ट वन इज़ द बॉर्डर, ब्लैक में मैंने ब्लैक कलर दिया है बॉर्डर का, तो ब्लैक में नज़र आ रहा है, एंड बॉर्डर के बाहर जो हमारे पास स्पेस नज़र आया, दैट इज़ एक्चुअली द मार्जिन, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉक्स मॉडल, और इसके मार्जिन को, इसकी पैडिंग को आप इसी तरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल वैल्यूज। एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कॉल्ड आउटलाइन। आउटलाइन इज़ लाइक अ बॉर्डर बट इट इज़ आउटसाइड द बॉर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं आउटलाइन देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड, और कलर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू। तो देखे बॉर्डर के बाहर एक और बॉर्डर आ गया, एंड दिस टाइप ऑफ बॉर्डर इज़ कॉल्ड आउटलाइन, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो आउटलाइन है और बॉर्डर इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा, आउटलाइन डैश ऑफसेट, और ये मैं पिक्सल में डिफ़ाइन करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पिक्सल्स। तो देखे 5 पिक्सल जो है मार्जिन के स्पेस में मेरा आउटलाइन आ गया, ठीक है, और बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान जो स्पेस आ गया, दैट इज़ 5 पिक्सल। इन दो प्रॉपर्टीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, अपनी स्टाइल शीट में इनको सेव करता हूँ, ताकि ये एक्चुअली अप्लाई हो जाए, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ये सेव नहीं होते। दिस इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्टाइलिंग योर कंटेंट। आप यहाँ कंटेंट को स्टाइल करते हैं, देखते हैं कि अच्छा किस तरह आउटपुट मुझे मिल रहा है, और अकॉर्डिंगली आप फिर उसको वहाँ सेव करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ वी डील विद द बॉक्स मॉडल, और इसके साथ साथ हमने मार्जिन पैडिंग और इसी तरह आउटलाइन, आउटलाइन ऑफसेट, बॉर्डर, ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने यहाँ पर कवर कर दी। द नेक्स्ट वन इज़ बॉर्डर रेडियस। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका बॉर्डर है, फॉर एग्जांपल H1 का, इसकी एजेस थोड़ी सी राउंड हो जाए, तो यहाँ पर हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना होगा, और बॉर्डर रेडियस जो है ये वैल्यूज़ लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सो बॉर्डर डैश रेडियस कितना परसेंट, 20% इसको राउंड कर दें, सॉरी 20 पिक्सल या 20% इसको राउंड कर दें, ठीक है। सेव कर दे, देखे ये हमारे पास यहाँ पर ये जो इजेस थी वो राउंड हो गए। अगर इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, लेट मी इंस्पेक्ट दिस एलिमेंट एंड इंक्रीज दिस वैल्यू, तो देखे ये अब हमारे साथ इस तरह आ रहा है, ठीक है। अगर और डिक्रीज कर दूँ तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को इस तरह करते हैं, एक इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, या चले इसको अप्लाई करते हैं, ये यहाँ से ये मैं कट करता हूँ, और पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। तो ये देखें हमारे पास दिस इज़ एक्चुअली बॉर्डर रेडियस। अगर इसको आप हाँ 50% कर दें, तो ये बिल्कुल सर्कल की तरह बन जाता है, ठीक है, देखिए इस तरह, या क्या कहते हैं इसको, एलिप्स की तरह बन जाता है, या अगर आपके पास आपकी बॉक्स का वेट हाइट सेम है, तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाता है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव दिस पैराग्राफ वेट एंड हाइट। सो इस पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल मैं वेट देता हूँ, वेट देता हूँ फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल, ठीक है।
तो इस पैराग्राफ का वेट 500 पिक्सल बन जाएगा, ठीक है। और हाइट, लेट मी गिव इट हाइट, एच ई आई जी एच टी, ये भी 600 पिक्सल देता हूँ। चले वो वेट भी है 600 पिक्सल कर दे, हाइट भी 600 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये हाइट जो है 400 पिक्सल ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये जो आपको बॉर्डर राउंड नज़र आ रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बॉर्डर रेडियस। और इसी तरह अगर आप इसको ज़्यादा कर दें तो इस तरह एक सर्कल टाइप बन जाएगा, ठीक है। और अगर कम करते हैं तो जस्ट ये इसके कॉर्नर जो है वो राउंड होंगे इसी तरह, ठीक। दिस इज 7%, सो लेट मी अपडेट दिस वैल्यू टू 7%, सेव। तो ये हमारे पास 7% बन गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई वेट एंड हाइट ऑन पैराग्राफ्स एंड डिफरेंट बॉक्स एलिमेंट्स और HTML एलिमेंट्स, एंड दिस इज हाउ वी अप्लाई बॉर्डर रेडियस। ओके, मिन हाइट मिन वेट का मतलब क्या है? मिन हाइट मिन वेट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एलिमेंट को आप हाइट दें लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो, फॉर एग्जांपल जो हाइट आप देना चाहते हैं उससे ज़्यादा कंटेंट है, तो ज़रूरी बात है कि ये वेट फिर ज़्यादा लेगा। और आप चाहते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा इसने हाइट नहीं लेना है, तो आप उस टाइम पर मिन हाइट जो है वो डिफाइन करेंगे। कहने का मकसद ये है, लेट मी टेक इनदर पैराग्राफ, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसकी आईडी को मैं चेंज करता हूँ पैराग्राफ टू, और इसके कंटेंट को थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। दिस इनदर पैराग्राफ, सेव करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया, इस पर भी पैराग्राफ टू पर भी मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ, पैराग्राफ टू हैश पैराग्राफ टू, इस पर स्टाइल अप्लाई करता हूँ, लेट मी अप्लाई बॉर्डर बॉर्डर, और इस टाइम 2 पिक्सल सॉलिड, और हैश सी 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 ग्रे बॉर्डर में अप्लाई करता हूँ। सो लेट मी चेक इट, ग्रे बॉर्डर अप्लाई हो गया। और भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डैश अलाइन, और ये जस्टिफाइड जस्टिफाई, इसी तरह वेट, लेट मी अप्लाई द वेट, और वेट जो है ये अप्लाई करते हैं 400 पिक्सल, हाइट भी इसी तरह 400 पिक्सल अप्लाई करते हैं, सेव कर दें और रिफ्रेश कर दें। तो देखें हमारे पास हमारा पैराग्राफ हमारी पैराग्राफ का वेट कितना है, 400 पिक्सल, और हाइट भी 400 पिक्सल है, लेकिन जो कंटेंट है वो इससे बाहर जा रहा है क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं वेट फॉर एग्जांपल इसको ना दूँ, ठीक है, सॉरी हाइट हाइट अगर इसको ना दूँ तो देखें ये खुद ब खुद हाइट लेगा, ठीक है। और अगर हाइट दे दूँ, ठीक है, तो जितना मैं हाइट दूंगा उतना इसका बॉर्डर आएगा और कंटेंट इससे बाहर जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मिनिमम हाइट दे दे तो इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए 400 पिक्सल, और अगर 400 से पिक्सल ज़्यादा 400 पिक्सल के हाइट से ज़्यादा कंटेंट इसमें है तो अपनी कंटेंट के मुताबिक ये हाइट ले। तो देखें अभी मिन हाइट जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को दी तो ये खुद ब खुद इसने ज़्यादा हाइट लिया अपने कंटेंट के मुताबिक, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर 400 पिक्सल पर फॉर एग्जांपल ये इतना स्पेस लेता है तो उस केस में अगर हमारी कंटेंट कम है तो ये फिर भी इतना स्पेस लेगा, लेकिन अगर कंटेंट अभी ज़्यादा है तो ये कंटेंट के मुताबिक स्पेस लेगा। मिनिमम हाइट का मतलब ये है, ठीक है, कि मिनिमम हाइट इतना हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट के मुताबिक हो। इसी तरह मिनिमम वेट हम दे सकते हैं कि मेन डैश वेट इतना हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंटेंट के मुताबिक हो, तो अभी कंटेंट ज़्यादा है तो इसका वेट अभी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मिक्स भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मिनिमम अगर मैक्सिमम वेट 400 पिक्सल होना चाहिए, मिनिमम जितना कंटेंट हो उसके मुताबिक। तो देखें मैक्सिमम अभी हमारे पास ये 400 पिक्सल बन गया, ठीक है, इससे ज़्यादा ही नहीं हो सकता क्योंकि हमने मैक्स वेट दिया है। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल हम यहाँ भी मेन हाइट मेन वेट डिफाइन करते हैं, ठीक है, सेव, सॉरी मिक्स वेट मेन
अच्छा यहाँ पर मैक्स हाइट, मेन हाइट, मैक्स हाइट और मैक्स वेट डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम इतना हाइट और मैक्सिमम इतना वेट होना चाहिए। तो ठीक है, बॉर्डर तो इतना आ गया, बॉक्स हमारा इतना आ गया, लेकिन कंटेंट इसमें ज़्यादा है तो कंटेंट बाहर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। अभी हमारे पास इसकी कंटेंट की ओवरफ्लो हो रही है, कंटेंट जो है वो इस बॉक्स से बाहर जा रही है, तो इसको हमने कंट्रोल करना है। तो ओवरफ्लो की वैल्यू अगर मैं ऑटो रख दूँ, ऑटो, तो देखिए अभी हमारे पास ये जो है इस फॉर्म में आएगा, इसके साथ स्क्रॉल बार आएगा और बिल्कुल जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह ये डिस्प्ले होगा। 400 पिक्सल इसने वेट लिया, 400 पिक्सल इसने हाइट लिया और जो ओवरफ्लो इसमें हो रही थी वो स्टॉप हो गई और कंटेंट जो है उसके साथ स्क्रॉल बार आ गया, इसमें हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द ओवरफ्लो एट्रीब्यूट। ओवरफ्लो की मुख्तलिफ हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ है, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसके पॉसिबल वैल्यूज़ को। सो यहाँ पर पैराग्राफ टू है और इसके ओवरफ्लो की पॉसिबल वैल्यूज़ देखते हैं। दिस इज़ ऑटो, ठीक है, जो हमने देख लिया। दिस इज़ हेडन, हेडन मीन्स जो कॉन्टेंट इसमें नज़र आ रहे हैं उसके वेट और हाइट के मुताबिक वो डिस्प्ले कर दें, बाकी को हाइड कर दें। ठीक है, और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ यू सी आई कैन नॉट रिसाइज दिस बॉक्स। ये जो मैंने ड्यू डिफाइन किया है या जो पैराग्राफ है या जो भी एलिमेंट है ये मैं इसको यहाँ रिसाइज नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको रिसाइज करना चाहूँ या मैं चाहूँ कि यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन हो जिसके थ्रू यूज़र जो है वो खुद इसको रिसाइज कर सके, सो फॉर देट द सी एस एस प्रॉपर्टी यूज़ इज़ रिसाइज और इसको वैल्यू देंगे ऑटो। इसको मैं ऑटो वैल्यू देता हूँ तो देखें मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, कम या ज़्यादा इसकी वेट और हाइट को मैं कम कर सकता हूँ या ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस सॉरी हाइट को फ़िलहाल मैं जो यहाँ पर हमने मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम हाइट दिया इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन कम कर सकता हूँ। ठीक है, अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। लेकिन अगर मैं इस मैक्सिमम को जस्ट वेट कर दूँ, ठीक है, वेट इज़ इक्वल टू 400 पिक्सल और हाइट इज़ इक्वल टू 400 पिक्सल और इसको इस तरह सेव कर दूँ रिसाइज इक्वल टू ऑटो, तो मैं अभी इसको किसी भी डायरेक्शन में कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इसके वेट और हाइट को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। सो इसके साथ मैं लिखता हूँ रीसाइज ऑटो। ठीक है, रीसाइज की मल्टीपल वैल्यूज़ है, इसको आप ये वैल्यू भी दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन या वर्टिकली ये मतलब रिसाइजेबल हो या हॉरिजॉन्टली रिसाइजेबल हो, तो ये भी आप यहाँ से इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, फ्लोट नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं। फ्लोट क्या करता है, सो लेट मी टेक अ ड्यू, इस तरह करते हैं एक ड्यू टैग लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एच आर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, एक ड्यू मैंने ले लिया और इस डिवीजन टैग के अंदर मैं दो ड्यू और लेता हूँ या तीन ड्यू लेता हूँ। चले ड्यू, ये फर्स्ट ड्यू बन जाएगा, एक ड्यू मैंने ले लिया, ठीक है, बड़ा ड्यू है जो कि इसके अंदर मेरे पास तीन और ड्यू डिवीजन टैग्स होंगे और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट जो है इंसर्ट करता हूँ। दिस इज़ द टेक्स्ट इनसाइड दिस ड्यू एंड लेट मी कॉपी दिस ड्यू थ्री टाइम्स ताकि मेरे पास थ्री ड्यूज़ बन जाए। ठीक है, अभी अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर दूँ तो देखें हमारे पास एक ड्यू ये है, एक ड्यू ये है और एक ड्यू ये है। मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों पर मैं सेम स्टाइल अप्लाई कर दूँ, तो इसलिए मैं इन तीनों ड्यूज़ को क्लास दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्लास देता हूँ माई ड्यू, ठीक है, माई डिवीजन टैग, और सेम ये क्लास मैं इस ड्यू को भी देता हूँ यहाँ पर और इस ड्यू को भी ये क्लास असाइन करता हूँ और माई ड्यू जो क्लास है इस पर स्टाइल अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अभी चूँकि मैंने क्लास असाइन किया है सो दैट्स वाई आई विल रेफर दिस क्लास विद डॉट। जब हम आई डी असाइन करते हैं तो आई डी को हम रेफरेंस करते हैं हेड से और क्लास को रेफ़र करते हैं हम विद डॉट। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हैश डी डी डी, ये लाइट ग्रे कलर होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हैश डी डी डी, कलर इस पर अप्लाई हो गया। दूसरा मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्यूज है, चले इस पर बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए। सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड या डैश्ड, चले डैश्ड बॉर्डर भी देख लेते हैं, डैश्ड हैश 000 ब्लैक बॉर्डर। ठीक है,
अप्लाई करते हैं। सो देखिए यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इन तीनों ड्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आए, तो इसलिए मैं मार्जिन अप्लाई करता हूँ ताकि एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाए। मार्जिन इक्वल टू 5 पिक्सल, ठीक है, हर तरफ से 5 पिक्सल इसको मार्जिन मिल जाएगा। तो देखिए हमें अभी मैं चाहता हूँ कि ये तीन ड्यू जो है ये वर्टिकली एक दूसरे वर्टिकली डिस्प्ले हो, मीन्स यहाँ पर ड्यू वन हो, स्क्रीन के दरमियान में ड्यू टू हो और राइट साइड पर ड्यू थ्री हो। सो फॉर दिस आई विल यूज़ द प्रॉपर्टी फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट, और इसको मैं ले दूंगा लेफ्ट, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करता है, इस ड्यू को मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी दी, तो इसका मतलब ये है कि ये ड्यू लेफ्ट साइड पर जो है हो जाएगा और राइट साइड इसका खाली रह जाएगा। तो फ्लोट प्रॉपर्टी मैंने इसकी दी, और फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ साथ मैंने इसको साइज़ भी देना है। लेट मी गिव द साइज़ इन परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 30% का साइज़ देता हूँ, तो हर ड्यू को 30% का साइज़ मिल जाएगा। और आप देखें अभी ये जो है हमारे पास कॉलम में इस तरह आ जाएंगी, यहाँ पर 30%, अच्छा साइज़ नहीं, ये वेथ, ठीक है, वेथ मैंने 30% दे दिया। तो अभी देखिए इससे हमें हमारे पास 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। ये क्यों, बिकॉज सबसे पहले ये ड्यू डिस्प्ले हो रहा था, इसको मैंने साइज़ 30% दिया, तो इसने स्क्रीन का 30% हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर दिया और बाकी ये स्पेस जो है खाली रह गया, जिसमें अभी हमारे पास 2 और कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। जब ये स्पेस खाली रह गया तो मैं फ्लोट प्रॉपर्टी की वजह से ये लेफ्ट साइड पर चला गया, ये स्पेस खाली रह गया, तो ये नीचे एक और ड्यू ऊपर आ गया, फिर ये स्पेस खाली रह गया, तो इसे ये जो हमारे पास ड्यू है ये भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ दी यूज़ ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी। सिमिलरली फ्लोट जो है हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यू लेता है, ठीक है, लेफ्ट राइट और अनसेट वगैरह। अनसेट कर दे तो मीन्स आप कह रहे हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई ना हो, राइट लेफ्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू जो है हमारे पास ब्लॉक टैग है, स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्ट से हॉरिजॉन्टली पूरा स्क्रीन ले लेता है, तो अभी इस पर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है, तो इसलिए इसने पूरा स्क्रीन लिया है, ठीक है, मीन्स इन हॉरिजॉन्टली। अगर हम इस पर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोट लेफ्ट, तो क्या करता है, फिर पूरा स्क्रीन नहीं लेता, लेकिन जितने इसके कॉन्टेंट होते हैं उतना स्पेस ले लेता है, बाकी स्पेस खाली छोड़ लेता है, तो बाकी स्पेस में दूसरे ड्यू या दूसरे जो कॉन्टेंट होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इस पर और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके टेक्स्ट डैश अलाइन, और ये जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह पैडिंग अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग 3 पिक्सल का, ठीक है, देखें कि ये हमारे पास बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दी पैडिंग प्रॉपर्टी। ओके, नाउ इस तरह करते हैं कि इसके दरमियान एक इमेज लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक, कॉपी एन इमेज फ्रॉम माय कंप्यूटर। सो यहाँ पर एक इमेज देख लेते हैं, डाउनलोड्स, ये इमेज है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ अपनी प्रोजेक्ट फोल्डर में पेस्ट करता हूँ, उसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, ठीक है, रिसाइज, फॉर एग्जांपल दिस इज 600 पिक्सल्स, ओके, और सेव करते हैं, या इसको थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, चलिए ये ठीक है, इस तरह ये हमारा इमेज बन गया। इसको मैं नेम देता हूँ IMG, ठीक है, IMG को यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ इनसाइड दिस ट्यू IMG, ठीक है, और SRC इक्वल टू img.jpg था या png था, jpg, इसको ये नाम देते हैं jpg, ठीक, और ये हमारे पास पीज पैराग्राफ है, तो ये हम p में बंद कर देंगे, ठीक है, ओके, पेज रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास ये इमेज आ गया, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो साइज़ यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट से इसको प्रॉपर साइज़ देते हैं, वेथ फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पिक्सल, ठीक है, ओके, और चले अलाइन, या अलाइन फ़िलहाल छोड़ ले, ठीक, वेथ हमने 200 पिक्सल दिया, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। सो माय ड्यू, यहाँ देखिए अभी मैं इस तरह लिखता हूँ कि माय ड्यू के अंदर जो इमेज है ये इस तरह लिखेंगे, इमेज इनसाइड माय ड्यू,
उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे विड और दैट इज 200 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है ये लिफ्ट के बजाय राइट साइड पर आ जाए। इमेज जो है हमारा लिफ्ट इन रेट है या लिफ्ट साइड पे है, इस ड्यू के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड पर आ जाए, तो इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट और ये हमारे पास होगा RIGHT राइट। जब मैं फ्लोट राइट करता हूँ तो देखिए ये पैराग्राफ ऊपर चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि नहीं पैराग्राफ ऊपर ना चला जाए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर आ गया लेकिन पैराग्राफ जो है वो नीचे हो इसका। तो एक तरीका है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, वो ये कि ये जो पैराग्राफ है डॉट माई ड्यू के अंदर जो हमारे पास पी टैग है, इस पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा क्लियर का। क्लियर मीन्स कि जिस फ्लोट की वजह से ये ऊपर चला गया है, अभी हम उस फ्लोट को इस पैराग्राफ के लिए क्लियर करते हैं, तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा। और वो फ्लोट हमने अप्लाई किया राइट। ठीक है, देखिए यहाँ हमने इमेज पर प्रॉपर्टी अप्लाई किया फ्लोट इक्वल टू राइट, तो यहाँ हम पी के लिए इसको क्लियर करते हैं, तो देखिए पैराग्राफ खुद ब खुद नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ, एक तो है बोथ, अगर राइट लिफ्ट फ्लोट है इसकी ऊपर एलिमेंट या लिफ्ट फ्लोट है दोनों के लिए ये काम करेगा। इसके अलावा देखिए अभी हमारे पास ये एलिमेंट जो है राइट फ्लोट है, और यहाँ अगर हम वैल्यू इसको लिफ्ट दें तो ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपका एलिमेंट आपके एलिमेंट पर आपने फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई की है राइट, तो आपने क्लियर बी राइट करना होगा। अगर आपने लिफ्ट अप्लाई किया है तो क्लियर बी आपने लिफ्ट करना होगा। सो ये हमारे पास इस तरह काम करता है। ठीक है, जिस तरह हमने फ्लोट के थ्रू ड्यू जो है, एक ड्यू हमने ले लिया उसको हमने फ्लोट प्रॉपर्टी दी और फिर दूसरा जो है ऑटोमेटिकली ऊपर आया, इसी तरह हम जब इमेज पर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसके नीचे वाला कंटेंट या जो टैग है एलिमेंट है वो ऊपर आता है। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर ना आए तो आपने इसको इस पर क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसके थ्रू फिर ये ऊपर नहीं आ सकता। ओके, तो हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारे यहाँ पर ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी है ये कवर हो गए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी रहती है, तो चलिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। डिस्प्ले के लिए इस तरह करते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ्स है, इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट चेंज करता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि ये डिस्प्ले किस तरह काम करता है, या इस पैराग्राफ में ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ यहाँ इसमें चले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक्सपेंड टैग लेता हूँ। ठीक है, स्पेन लेग हमें पता है, टैग हमें पता है कि इनलाइन टैग है, ब्लॉक टैग नहीं है। ठीक, स्पेन ओके, मैंने स्पेन टैग यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं इसको स्टाइल देता हूँ। ठीक है, या पैराग्राफ वन के अंदर जो स्पेन है यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस में इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है पैराग्राफ वन, सो हैश पैराग्राफ वन, इसके अंदर जो स्पेन है इस पर मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ? डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, और ये मैं इसको वैल्यू देता हूँ ब्लॉक। तो अभी देखिए ये हमारे पास एक अलग पैराग्राफ बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमारे पास एक अलग ब्लॉक बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर दूँ इंस्पेक्ट, तो देखें हमारे पास स्पेन आ रहा है, इसकी वैल्यू ब्लॉक है। वैल्यू मैं चेंज करता तो आप यहाँ इस चेंज को देखें, ये चेंज ऑटोमेटिकली चेंज होगा। देखें मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो ये सेव ऊपर आ गया, मींस ये दोनों सेम ब्लॉक अभी कंसिडर हो रहे हैं। जब मैं इसको ब्लॉक वैल्यू देता हूँ तो ये एक अलग ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, इनलाइन जो होता है तो भी हमारे पास इस तरह सेम होता है, मींस अलग ब्लॉक नहीं क्रिएट करता। ठीक है, तो इसके मेन दो वैल्यूज़ है, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक भी इनलाइन होता है लेकिन इस पर आप क्या कहते हैं वेट हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट आपके पास ब्लॉक एलिमेंट है उसको आप इनलाइन बनाना चाहते हैं तो आप उसको वैल्यू देंगे डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन, और अगर एक इनलाइन एलिमेंट है जिस तरह अभी है उसको आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसको आप वैल्यू देंगे डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। इसके अलावा यहाँ हमने इस तरह तीन कॉलम्स बना दी, लेकिन इन तीन कॉलम्स पर हमने फ्लोट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की है। अगर आप चाहें कि फ्लोट प्रॉपर्टीज़ के अलावा मैं इस तरह तीन कॉलम्स बना दूँ तो वो भी हम बना सकते हैं यूजिंग डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ एक HR इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और इससे मैं ये क्लासेस जो है ये फ़िलहाल रिमूव करता हूँ। ठीक है, क्लासेस मैंने रिमूव कर दी, ये इमेज भी फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये देखिए आप लोगों को ये इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर मैंने HR इंसर्ट कर दिया, वो इंसर्ट हो गया कि नहीं, HR चले ओके। यहाँ मैं एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट इनलाइन स्टाइल अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं, इंटरनल में भी कर सकते हैं। और इसको मैं वैल्यू देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, और वैल्यू देता हूँ फ्लेक्स होता है या फ्लेक्स बॉक्स होता है, देखते हैं ओके ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक बियर इंसर्ट करता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास ओके, असल में यहाँ पर फ्लोट अप्लाई है तो ये एलिमेंट्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि इस न्यू ड्यू पर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा क्लियर का, क्लियर और बोथ, तो ये खुद बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये नीचे आ गई, ठीक है, और बिल्कुल देखे हमने जस्ट 3 ड्यूज लिए हैं, लेकिन इन ड्यूज पर हमने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया है, हमने जस्ट इन 3 ड्यूज को जिस ड्यू के अंदर लिए है उस पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स का, ठीक है। ये देखें डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स और क्लियर इक्वल टू बोथ, इसलिए हमने किया क्योंकि ऊपर जा रहा था, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास ड्यू है उन पर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई है, तो उन फ्लोट प्रॉपर्टी को खत्म के असर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर उनको क्लियर कर दिया। तो देखें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में ड्यू हो या एलिमेंट्स हो, तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। और अगर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते तो जस्ट आप इनको एक ड्यू के अंदर बंद कर दें या एक बड़े एलिमेंट के अंदर बंद कर दें और उसको ये प्रॉपर्टी दे डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह मतलब इसको स्टाइल मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज पोजीशन, तो पोजीशन एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैं एक ड्यू लेता हूँ, इस तरह करते हैं कि एक न्यू ड्यू लेते हैं, यहाँ पर नीचे HR एक HR इंसर्ट करते हैं और एक ड्यू लेते हैं, ठीक है, और इस ड्यू के अंदर एक चले H3 लेते हैं, ठीक है H3, और इसके अंदर लेते हो दिस इज टेक्स्ट फॉर पोजीशनिंग, ठीक है ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं तो दिस इज टेक्स्ट फॉर पोजीशनिंग, और इस तरह करते हैं कि इस ड्यू पर कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं एंड दैट इज बॉर्डर, ठीक है, 1 pixel सॉलिड और हैश 000 और सिमिलरली सेम स्टाइल यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टाइल, या चले इसको आईडी देते हैं, आईडी इक्वल टू इसको देता हूँ पोजीशन POS, ठीक है, और इसको बस ठीक है आईडी इक्वल टू पोजीशन, तो इस ड्यू को मैं यहाँ पर स्टाइल दूंगा हैश POS और इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं बॉर्डर, ठीक है, 1 pixel सॉलिड हैश 000 और फिर इसके अंदर जो हमारे पास H3 है पोजीशन के अंदर जो H3 हमने लिया है उस पर भी मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, लेकिन इसको कलर थोड़ा डिफरेंट दूंगा एंड दैट इज़ यहाँ F दूंगा तो इसका कलर रेड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये अभी एलिमेंट आ गया है। देखिए हमारे पास ड्यू के अंदर हमने H3 ले लिया, क्यों ले लिया, ताकि हम पोजीशन को समझ सकें। पोजीशन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मैं इस एच को इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ इसको मैं वैल्यू देता हूँ पोजीशन, ठीक है, और यहाँ इसको वैल्यू देते हो स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन मींस जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास किसी एलिमेंट का पोजीशन होता है तो उसी तरह ये हो जाता है, ठीक है, मींस बाय डिफ़ॉल्ट किसी एलिमेंट का पोजीशन स्टैटिक होता है ओके। नेक्स्ट इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव मींस अभी ये हमारे पास H3 है, इस कोई पोजीशन को मैं चेंज करता हूँ रिलेटिव टू द कंटेनर, ठीक है, इसका जो कंटेनर है मींस ये H3 जिस एलिमेंट के अंदर मैंने लिखा है उसके मुताबिक इसको मैं पोजीशन देता हूँ,
तुम्हें पोजीशन तुम्हें रिलेटिव दे दिया, लेकिन अभी इसका क्या मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके अपनी कंटेनर के लेफ्ट साइड पर ये फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल लेफ्ट साइड पर आ जाए। ठीक है, तो देखिए 20 पिक्सल ये थोड़ा सा आगे हो गया, या अगर मैं इसको ये राइट वैल्यू दे दूँ RIGHT राइट, तो देखें ये राइट साइड पे 20 पिक्सल थोड़ा इस तरह राइट साइड पर हो गया अपनी इस एलिमेंट से। इसी तरह अगर मैं टॉप यहाँ लिख दूँ तो टॉप 20 पिक्सल, तो देखें टॉप से 20 पिक्सल ही नीचे आया। इसी तरह अगर मैं यहाँ बॉटम लिख दूँ बॉटम, तो 20 पिक्सल या इसको आप इंक्रीज़ करते तो देखें ऊपर चला जाएगा। मीन्स मैं इस H3 को पोजीशन करता हूँ इन रिलेशन विद दी ड्यू दिस ड्यू। ठीक है, ये कि रिलेटिव के बजाय मैं पोजीशन की वैल्यू फिक्स्ड कर दूँ फिक्स्ड, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के मुताबिक ये बॉटम से 16 पिक्सल अप होना चाहिए। तो देखें मैं अभी स्क्रोलिंग करता हूँ लेकिन ये यहाँ पर फिक्स है, बिल्कुल स्क्रीन के मुताबिक फिक्स है। इसी तरह अगर बॉटम के साथ साथ मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लिख दूँ लेफ़्ट और यहाँ लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल, तो देखें ये लेफ़्ट साइड मेरे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से 50 पिक्सल थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा 50 पिक्सल। ठीक है, या इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें लेफ़्ट साइड से जितना मैं पिक्सल इंक्रीज़ करता हूँ ये डिस्टेंस में होगा। ठीक है, और फिक्स्ड होगा, देखिए स्क्रोलिंग से ये डिस्टर्ब नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द पोजीशन एट्रीब्यूट। एक हमारे पास है स्टिकी, इसकी एक वैल्यू है स्टिकी। स्टिकी क्या करता है, स्टिकी हम अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा बाज़ वेबसाइट में यहाँ पर मेन्यू बार होता है, जब हम स्क्रोलिंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिकी। ठीक है, तो स्टिकी और इसको हम बॉटम लेफ्ट इसी रिमूव करते हैं। ठीक है, और स्टिकी के लिए इस तरह करते हैं कि स्टिकी एट्रीब्यूट जो है पोजीशन वाला वो यहाँ इस एच पर अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास स्टिकी आ जाए। स्टिकी मींस जब मैं स्क्रोलिंग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ माई H1 दिस वन, और यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ पोजीशन इज इक्वल टू स्टिकी, और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि कहाँ पर स्टिक होगा, टॉप इक्वल टू 0 मीन्स बिल्कुल टॉप पर ये स्टिक हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी स्क्रोलिंग करता हूँ ये ऊपर हमारे पास इस तरह स्टिक हो गया है। ठीक है, ये वैल्यू मैं इसके साथ लिखता हूँ H1, ठीक है पोजीशन स्टिकी। ठीक, और इसके साथ साथ कहाँ पर ये स्टिकी होगा, सो टॉप और यहाँ 0। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास स्टिकी, और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट में स्टिकी न्यू बार्स होते हैं तो इसी तरह उन पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर आता है, जिस तरह अभी ये है ये नीचे वाले एलिमेंट के ऊपर आ रहा है तो वो गायब हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये गायब हो लेकिन ये गायब ना हो, तो इसके लिए हम जेड इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि अपने इस पैराग्राफ को एक बैकग्राउंड देते हैं वाइट कलर का या किसी भी कलर का। ठीक है, तो इसको भी हम बैकग्राउंड देंगे पैराग्राफ को, तो लेट मी गिव इट अ बैकग्राउंड कलर एंड दिस इज़ माई पैराग्राफ, सो बैकग्राउंड डैश कलर, और इसको मैं H F वाइट बैकग्राउंड देता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा H1 जो है इसका जेड इंडेक्स में -1 रखता हूँ। इसका मतलब ये कि जब ये उसके ऊपर आएगा तो इसका जेड इंडेक्स कम है तो विजिबिलिटी इसकी होगी इसकी नहीं होगी। तो देखें अभी हमारे पास इसकी विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसको मैंने जेड इंडेक्स माइनस में दिया है, और अगर इसको मैं अभी जेड इंडेक्स ज़्यादा कर दूँ तो ये इसके ऊपर फिर आएगा।